जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। मुआरा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण कृष्ण शरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री भगवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक श्री जगन्नाथंकर छत्र छायारे विराजमान समस्त मोआ ग्रुप एंड टीम तथा समस्त भक्तजन अमर वह देश वा जहां से आयो। एक विशाल परमात्मा का पखरु ए समस्त जीवभूत मानकर उद्भव ममई बांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। किंतु ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर जो आधारभूत होचि माया माया ओ माया जो है जीवर मूल प्रकृति को जीव को जणैबा पई दिए नाही। मायार व्याख्या जते बेले आमे करिवा को जाऊ या मा सा माया अन्यथा दर्शनम इति माया। जो वास्तव ओ वास्तव सत्ता को न देखे कि आउ कोन गोटे देखेवार कार्य होची मायार। तो ये जीव सदा सर्वदा जीव को आधार हालांकि ऐसे भी तो ओ परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहंती जे ए अर्जुन ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे जिते जीव अछंति सबु जीव गुडाक मोर अंश मात्र। जो बोली भावरे समुद्र ऐसा बता सकता है समुद्र ए बोली भावरे कही परिबो जे जिते नद नदियां नल नाल अथवा ये सारे के सारे जिते जल सत्ता जो थी अच्छी जो जो थी सब गुड़ा का मोर ही सत्ता
मोरी ही अंत। ध्यान दीजिएगा, किंतु ध्यान दीजिएगा, जितने बड़े वृष्टि हवा क्षणी, वृष्टि हवा क्षणी से नाला हो, नर्दमा हो, नदी हो, झरणा हो, सब गुड़ाक दौड़ा आरंभ कर बोले परमेश्वर परमात्मा भगवान रूपी अथवा समस्त नद नदियां समुद्र आड़क दौड़ सहज ओ प्रकृति परमात्मा भगवान को आड़ को तो जो बोली भाव रे अंश जदि नद नदी झरणा ये सारे के सारे जिते जल स्रोत अच्छी समस्त जल स्रोत गति जदि समुद्र से भली भाव जिते जीवजंतु प्राणी समाज अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उत्पत्ति ही चंती से परमात्मा पाखरु उनकी संकल्प से ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड किंतु ये मनुष्य अथवा ये मनुष्य के 84 लक्ष जीवजाति मानक भीतर मनुष्य गोटे प्राणी और 83,99,999 जो प्राणी अच्छा ये समस्त प्राणी गुड़ा को भोग जोनी बोली कह अच्छा उसके अलावा गोटे मनुष्य जो जीव जहाँ को कर्म योनि बोली कह जाए केवल से नुह कि यहाँ पे जब ये कही जाती है कि आम मन कर अज्ञानतार जोगु अज्ञानता जोगु आमे माने बारंबार 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्म मृत्यु चक्र रे नित्य निरंतर घंटी होचन। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया बोले अरे साधन भजन कहीं करूं रे बाबा बोले मु चाहू नहीं मो भक्त जन्म मृत्यु बंद ही जाओ। हरे कृष्ण मैं चाहता ही नहीं हूं। अरे मु जीवा पाई कि एठी जो थी गला परे व्यक्ति आउ फेरिवार संभावना नहीं मु सेठी जीवी कहीं कि निर्वाण मोक्ष मुक्ति आदि आदि को इसलिए मु सही जगह को जीवा पाई चाहू पुणी अगेन आउट रे आस। लेकिन ध्यान दीजिएगा केबे विचार करिचंती जे आम मानकर जीवन यात्रा सब किछि विषय भोग को दे दिया जाऊ आपन जो जो विषय आपन कामना करंती एवं गोटे रूम के अंदर गोटे रूम भीतर एकदम लक कर दिया जाए लेकिन शर्त होती जे आपन को अलावा आउ अन्य केही जेमति नथिबे केवल मनुष्य मात्रण आपन एकुटिया थिबे बोले नाना स्वामी जी बोरिंग हो जाऊंगा मैं बोरिंग तो आप सोचो जो मातृ गर्भ रे गोटे दिन नुह गया 9 मास 10 दिन पर्यंत आमे मने मातृ गर्भ रे एकदम एकांत अंधकार वातावरण भीतर कैसी कैसी स्थिति रे जितने हम लोग एकदम तड़पने लगते हैं बस हो गया आओ एठू जाई की कम से कम मुँह सा भगवान तेरी साधन करूं तेरी भजन करूं तोरी साधन करी तोरी भजन करी प्रभु मते गर्भ कष्ट रु मुक्ति दियंतु। किंतु एठू जिते बेले तळ को आसिला बेले अथवा जगत रे प्रकट हवा जन्म हवा मात्रेण आमे माने यहाँ पे बड़ा सुंदर है कि ये जीवटा तो को कहाँ कहाँ पतित होती बोले महाराज ओ जीव सदा सर्वदा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यहाँ पे तदेतत् षोडश कलम लिंगम शक्ति त्रयम महत धत्ते अनुसंस्कृति पुंसी हर्ष शोक भयार्थम बोले नारायण तो ओ जीव जो है जीव तो ओ सदा सर्वदा देह्यज्ञों जीत सड़वर्ग नेशन कर्मणि कार्यते ओ जीव के छोटा अंग कामंग काम क्रोध कामना पूर्ति जदि न हो स्वाभाविक भाव रे कामना पूर्ति न हो संभावना जो न हो यारी जोग बोधे मोर कामना पूर्ति है नहीं आरी जोग बोधे मोर इच्छा पूर्ति है नहीं जहां को आप इंगित करेंगे
बोले महाराज तापरे क्रोध हब जी अपनकर कामना के सम्मुख यदि कामना को प्रकटित न न अथवा कामना को प्रकटित न करी पारथु अथवा जो जो माने विघ्न सता सबके पर क्रोध हब जहां अपन इच्छा करचन यदि आपके बातें यदि सरकार भी न माना तो सरकार पर क्रोध भाई न माना तो भाई के पर क्रोध पत्नी न माना पत्नी के पर क्रोध पति न माना पति के पर क्रोध अच्छा ये कामना अथवा इच्छा गोटे इच्छा पूर्ति करला बेले यदि पूर्ति रे जे भी विघ्न आसु ओ गुरु भी हो महाराज भगवान भी हो हम भगवान को कटघरी में खड़ा कर देते भगवान आपने ऐसा क्यों किया निर्मही आदि आदि पता नहीं भजन भी गाने लगते कैसा चक्का डोला किम्पांडका न सुन हो देखो कई बार अर्थ जे कही होना कहेंगे कामना पूर्ति रे विघ्न सत्ता जो माने तंका पर क्रोध है एवं जदि कामना पूर्ति हेला लोभ है महाराज ये लोभ और क्रोध है दुईटा जगर जनक होती कामना तो जीव यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव रे कहा जे पंचभी कुरुते स्वार्थान पंचवेदाथ पंचभी एकस्तु षोडशान पांचटी कर्मेन्द्रिय द्वारा पांचटी कर्मेन्द्रिय को पूर्ति करिबा निम पांचटा जक कर्मेन्द्रिय कोन पाई कहले पांचटा कर्मेन्द्रिय पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटा प्राण पंद्र गोटे होचि मन आ स्वयं को जोड़ी की ये सत्रुआ तत्व पांचटी कर्मेन्द्रिय 5+5+5+1+1 तो कहिबार अर्थ पांचटी कर्मेन्द्रिय आमे नियोजित थांती काकु तुष्टि करिबा निमंते नारायण ध्यान देना ये मनी राम के पास प्रत्येक अंकर आपण कर में मध्य जन स्वामी जी मोर तो कई आउ सर्वेंट नांती बे अरे पागला निज ये रथ रे बुद्धि सारथी बैठा हुआ एवं बुद्धि के पास एक मनीराम डोर लगी थी ये मन मन हूँ सुपरवाइजर ता पाखरे 10टा सेवक काम करुचंदी तार काम हैला पांचटी जाक कर्मेन्द्रिय गुड़ाक ये गुड़ाक अंध सेवक गुड़ाक नारायण अंध अंध एडा किसी देखा जाए ना चापुड़ा मारुची से गाई की मारुची कि मनुष्य को मारुची कि अन्य कहा को मारुची पता नहीं कि सेठी अन्य कहा को मारला बेले धड़ाक से आउ कोठी बाजुची आपण काटुचंदी सब्जी सब्जी काटते काटते अपने ही काट अपने हाथ को काट बैठे जना नहीं आमे जे कहा को काटुचु पाद को जना नहीं जे से कुआड को जाउची वाणी को जना नहीं जे से कौन बोलुची नारायण तो पांचटी कर्मेन्द्रिय को तुष्टि करिबा निमंते पांचटी ज्ञानेन्द्रिय को तुष्टि करिबा निमंते पांचटा कर्मेन्द्रिय नियोजित हे चल जी हुआ को रसनेन्द्रिय को आवश्यकता अछि भोजन की तो हाथ लागिते से गोड़ लागिते से ठीक पहुंचेबा पाई वाणी पचारी 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 जाउची से ठीक नारायण और से ठीक पहुंची गला पर फिर रसनेन्द्रिय को मान रसनेन्द्रिय को हो या चक्षु को हो या सर्वणेन्द्रिय को हो तो महाराज ये पांचटा जाक ज्ञानेन्द्रिय को तुष्टि करिबा पण बड़ा सुंदर मैनेजमेंट भगवान बना के दिया पांचटा ज्ञानेन्द्रिय को तुष्टि करिबा निमंते पांचटा कर्मेन्द्रिय लागि जान एवं कहा को तुष्टि करिवे बोले मन को तेणु समस्त भितर मन भितर बुद्धि भितर अथवा इंद्रिय मान भितर ओ एक चेष्टा एक जीवन सत्ता एक चेतनता प्रदान करने निमंते पांचटा प्राण लगे ये पावर है पावर इलेक्ट्रिसिटी ये सबके सब मशीन ये सारे के सारे मशीनरी को चलाने के लिए तो उसमें एक करंट क्या प्राण अपान ब्यान उदान समान पांच प्राण ध्यान देना ये जीव की दशा है लेकिन जीव करीब कौन जमदूत माने जो बोली भाव विष्णुदूत मान पचार धर्म व्याख्या कौन स्वाभाविक भाव जिते धर्म अधर्म व्याख्या कर तार आधार टा कौन
जमदूत माने कौचन वेदो प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरीति सुश्रुम। अच्छा कई बार अर्थ कि वेद प्रणहित धर्म से शंकराचार्य जी को जैसे बड़ा पता लगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म धर्म तो उन्होंने कहा धारणात धर्म इत्याहु जो हम मन कर जीवन को धारण करे जो समाज को धारण करे सामाजिक धर्म जो राष्ट्र को धारण करे राष्ट्रीय धर्म जो जीवन को हम जीवन को जो धारण करे वो जीव धर्म अथवा मोर धर्म जो बिगाड़ दे जो तोड़ दे वो धर्म नहीं हो सकता। निमंते आप आपकी सनातन व्यवस्था की उद्घोषणा वसुंधैव कुटुंबकम वो धर्म की व्याख्या वो धर्म की उद्घोषणा जो सबको जोड़ के रखे नारायण और जो तोड़े नारायण वो धर्म नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर भाव रे कि जीव किंतु ये जीव टा जते बड़े कर्म करुची ता आधार टा कोनो सर्वर्ग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मोह। ध्यान दीजिएगा काम क्रोध लोभ गला मोह 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 ताकु कहा जाए मोह आपण आम मान पाखे जहा अच्छी ता प्रति मोह अच्छी देह अच्छी मेरे शरीर मैं पुरुष मैं स्त्री मैं धनी मैं ये मैं ओ ये मोह काम क्रोध लोभ मोह मेरे शरीर है मेरे धन है मेरे ये है मेरे विद्या है। ध्यान दीजिएगा जहां अच्छी ता प्रति मोह जहां नहीं ता प्रति कामना तो मोह काम क्रोध लोभ मोह मद और ये समस्त को जो जो अम मन का पक्षरे एकदम क्षणस्थायी अटे एकदम क्षणस्थायी वो क्षणस्थायी वस्तु पदार्थ आदि को नहीं कि आम मैंने मिथ्या गर्व करो मैं बलवान हूं मैं धनवान हूं कोण्यस्ति सदृशमया भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को कौचन अरे कोई मोहग्रस्त व्यक्ति ऐसी भावना उत्पन्न कोनेस्ति मोह भली किए अच्छी दुनिया रे मुझसे मुझसे बढ़कर कौन मोह मद गर्व मत्सर। हालांकि हमें मैंने सदा सर्वदा मत्सर अर्थ मत मने ना कि मेरे जैसे मत्सर व्यक्ति कहां प्रति करे नारायण व्यक्ति मत्सर भावना ता प्रति करंती जो व्यक्ति जो मोर स्थिति जहा कोई ऑफिसर अपने पीएन के प्रति में मत्सर भावना नहीं रखेगा मत्सर ता प्रति होती कि मोर सम्मान की अच्छी और ताको ये न केन प्रकार है ना मुझसे नीचे ताको तलो ठेले दे कल दे मत्सर शर्माने मेरे बराबर कोई न रहे नारायण। लेकिन ध्यान दीजिएगा तो ये जो अजामिल प्रसंग उत्थापन श्री सुखदेव जी परीक्षित जी का समकक्ष कर उनकी जीवन दशा कौन थिला से कहा जाए कि अध्यात्म मार्ग मार्गी साधक बंधुटाए यदि ए जन्म रे भी मध्य किसी करती से साधना और संपत्ति के क्षय है ना बाबा हाँ कर्म करिले कर्म फल क्षय है जाए भोग करिवा परे। लेकिन यदि कोई भक्ति कोई ज्ञान कोई ध्यान कोई अध्यात्म परमात्मा भगवान को जानिबा निमंते परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करिवा पई जो मानसिकता अथवा जो प्रस्तुति आम मान भीतर स्वाध्याय आदि जप आदि तपस्या आदि जहां भी हमें मैंने करुचन देना कहीं ये सब गुणा विलय है ना किसी समय पर्यंत बिना कहवा कथा कि ये सब शक्ति अध्यात्म शक्ति मानो कि कोई व्यक्ति साधन करुची गोटे समय रे जप तपस्या स्वाध्याय प्रवचन आदि आदि मंत्र जप आदि जन व्यक्ति करुची
किन हो सके कोई किसी कार्य वशतः व्यस्त वशतः अथवा कोई भोग विशेष भोग आदि के जीवन तार अन्यत्र कोठी प्रवाहित है भी जाए तथापि विमध्य भगवान एवली व्यक्ति मानको कहंती जोग भ्रष्ट जोग भ्रष्ट वो जोग भ्रष्ट से डरे हुए डरना नहीं चाहिए आमे वयम सर्वे जोग भ्रष्ट परिवार अर्थ कि भाई जो गोटे छोट पाए कृष्ण कहवा मात्रेण भगवान कृष्ण के कृष्ण छवि तार मन भितर प्रकटित हो राम कहवा मात्रेण आंखें अपने आप बंद हो जाती से गोटे दिन कहानी नो रे बाबा जदि आपण सकाळ सकाळ उठिकी एतिकी लोक एकत्रित हेकी परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ को श्री कृष्ण को अथवा भागवत जी कर शरण रे आमे आसी चंदी ये गोटे दिन रो तपस्या आपण मानकर नु आ गया एक दिन की तपस्या नहीं है बाबा ये अनेक जन्म संप्राप्त अनेक जन्म द्वारा संचे 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 कही जने अध्यात्म आड़ को उन्मुख है एवं अनेक उन्मुख होता साधक मान भितर कहीं जने ये अध्यात्म पथर चलिबा पाई साहस करे एवं से साहस करिबा मान भितर पहुंची बहुत कम लोक पहुंचती तो से निम्ते कह जाए कि आम मानकर तो ओ अजामिल स्वरूप कौन थिला पूर्व स्थिति को भली भाव थिला अयम हि श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय द्रुत व्रत मृदुर दांत सत्यवान मंत्र विच्छुचि गुरुवग्न्य तिथि वृद्धानां शुश्रूषो निरहंकृत सर्वभूत सुहृत साधु मीत बाग नसूयक आह कितने सुंदर व्यक्तित्व अधिकारी थे ये अजामिल लेकिन पितांकर आज्ञा ने गोटे दिन बन को जाकि और एभली दृश्य देखिले और दृश्य भी कैसा किसी विषय के दर्शन हुई और आसक्त के कारण तक नहीं किया बड़े बड़े महात्मा माने बड़े बड़े अलग अलग कथा कहती लेकिन हो भी सकता है कई बार अर्थ कि ऐसा कहा गया कि पूर्व जन्म ये अजामिल रे भी मध्य पूर्व जन्म संबंध कौन पूर्व जन्म कैसी थी आम मैंने जो विचार करुछन अरे रे अजामिल तो गोटे थर नारायण शब्द प्रकट कर नारायण शब्द सुनिला अथवा पुत्र को नारायण नारायण बोली रखिला नारायण नारायण शब्द पुकार कि मात्रेण संबोधन मात्रेण नारायण दूत आसिक प्रकटित हेल्ले आप कहे मु नारायण नारायण कहती आज्ञा कि मोर सामने तो कौन सी नारायण दूत आसुना पार्षद तो आसुना लेकिन ध्यान दीजिए ऐसा कहा जाता है अपना म्यूट है गले अपनो म्यूट है गले स्वामी जी अजामिल रो पूर्व जन्म बड़े विचित्र कैसी ऐसा कहा जाता कि कोई योगी महाराज कोई हिमालय पहाड़ के हिमालय पर्वत रे तपस्या करते करते शरीर से बेले जड़े ऋषि एवं ऋषि कन्या से रास्ता देखी जाऊँ मानो ध्यान मुद्रा रे एक बसी उपवेशन कर धीरे 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 बरफावृत हो जा शरीर मानो निष्प्राण हो जा तो ऋषि को देखिकी दया लगिला एवं निजर कन्या आड़ को देखिले कन्या बुझी पारिले पितांकर व्यथा एवं मने मने मन ही मन बोले कि पिताजी आपण चालंतु मु आ भितरे प्राण संचार करिकी जाउची अच्छा बाबाजी महाराज कर संपूर्ण शरीर रु संपूर्ण बरफ को निरावृत करिकी मन मन भाविले कि आकु हिमालय पाद अथवा हिमालय गोपर भितर गुफा गोपर भितर आकु उष्णतार आवश्यकता इसलिए कोलाग्रत पूर्वक तो उष्णता अपने शरीर की उष्णता से उष्णता प्रदान कर ले ऋषि को ताकि प्राण संचार हो ये बाबाजी महाराज कर किंतु से ऋषि
ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଇଲେ ଜଣେ ଋଷି କନ୍ୟାଙ୍କର କୋଳରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତ ଋଷି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୋର ଅଜ୍ଞାତରେ ମୋର ଅଜାଣତରେ ତୁମେ ମୋର ଶରୀରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛ ଏସଲିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁମେ ବେଶିଆ ହେଇଯା ନାରାୟଣ ऋषि कन्या थी उनमें भी तपस्या तपस्या का प्रभाव तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया कि हे महाभाग मोर लक्ष्य नथिला कि कोई कामनार प्रभाव रे कामनार विवश से कि मु आपन को आलिंगन करनथली प्रभु जी मैं तो आपन को भीतर प्राण संचार करिवार लक्ष्य रे नहीं मु आपन को आलिंगन करथली ताकि साधनार संवर्धन हो जदि मु बेसिया जन्म है और जदि मु आसक्ति के बे कोठी है ताले मु तोरी पखरे ही तुम ही मोर आसक्तर कारण हब एवं तुमर आसक्तिर कारण मु हेबी नारायण अरे कृष्ण ये बाई चांस कुछ नहीं घटती है मेरे भाई ये दुनिया रे बाई चांस बोली से दिन शब्द किसी नहीं बाई चांस ऐसा हो गया अरे जहा भी हो ना कहीं ये सब किसी पूर्व प्रचोदित नारायण नारायण तो इसलिए ये अजामल स्थिति होती है कि संभवतः स्थिति पे साधनार स्थिति साधनार तपस्या साध तपादि र बल संभवतः गोटे विस्मृति ही जाई पारे विस्मृति ही जाई पारे किंतु पर मुहूर्त ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଦାଚିତ କହୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ ଗୀତା ରୁଚି ନ ରୁଚି ଖା ପିତା ନାରାୟଣ ମୋର ରୁଚି ହଉ ଚାହେ ନ ହଉ ମୋତେ ବୁଝି ହଉ ଚାହେ ନ ହଉ ଭାଗବତ ଭାଗବତରେ ମୋତେ ବୁଝି ହଉ ଚାହେ ନ ହଉ ଗୀତା 2-5 ଶ୍ଳୋକ ନାରାୟଣ तो ये भली भाव रे ये बे अजामिल रा प्रासंगिकता थिला रे वो अजामिल किंतु मनी मन जते बेले विष्णु दूत माने पचारु चंदे जमदूत के बहुत जद जमदूत माने सुंदर भाव रे बुझी देले कि आम मन कर आधार होती गोटे तो पिए त किछ लोक पाप कर्म करंती तांकु नरक आड़ गति किछ लोक पुण्य करंती तांकु स्वर्ग लादि गति ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ କର୍ମ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ପାପ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇହ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କୋଉଠି ନିୟମ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ବେଦ ଓ ପ୍ରଣୀତ ଓ ଧର୍ମ ଇଏ ବେଦ ମେ ନିହିତ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କା କ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କା କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ବୈଶ୍ୟର କଣ ସ୍ୱଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରର କଣ ସ୍ୱଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେ ଅନୁରୂପ କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ରୂପରେଖ କଣ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ କଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଧର୍ମ କଣ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଧର୍ମ କଣ କିଛି ଲୋକ ଏକଦମ ଅଜୀବ ହୋତେ ଅଜୀବ କା ମତଲବ ଆରେ ଭାଇ ଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଁ ବୋଲେ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା କୌନ ସି ବର୍ଗ କ୍ୟା କହତେ କୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ବୋଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ 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 ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ନାଇଁ କ୍ୟା ହୋ ଗୃହସ୍ଥ ହୋ ବୋଲେ ନାଇଁ 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 ଗୃହସ୍ଥ ବି ନାଇଁ ଆଉ କ୍ୟା ହୋ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲେ ନାଇଁ 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 ବାହ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲେ ନାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବି ନାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଚାର ଆଶ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାର ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାର ଏ ଚାରି ଚାର ଚାରକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ବେଦ ପ୍ରଣୀତ କରେ ବେଦ ପ୍ରଣୟନ କରେ ଲେକିନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଯିଏଗା ବେଦ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ ही अधर्म तद विपर्याय तद विपरीत तो हूँ अधर्म तो जो माने ना ब्राह्मण की धर्म ना क्षत्रिय का धर्म ना वैश्य का धर्म ना शूद्र का धर्म ना ब्रह्मचारी का ना गृहस्थ का ना वानप्रस्थ का ना सन्यासी का जो बोले कि कहाँ हो महाराज बोले कहीं नहीं हो आपके लिए कोई वेद नहीं है डर लगता है डर लगता है कथा होती है कभी इधर जन जैन कर ली कभी उधर जैन कर ली कभी उधर ये जो जैसे कि इलेक्शन जब चलती है कुछ लोगों की पॉकेट में हर प्रकार की झंडे होते डंडा एक एक झंडा लेकिन हर प्रकार की झंडा वहां से आ गई दूसरी कोई
दल की ये झंडा निकला, जय हो जय हो, से शांत ये पाखर गला। ये लोग कहीं नहीं पहुंचते भाई मेरे। कई बार अर्थ अध्यात्म साधना रे भी मध्य ठीक से बोली बाबा, हमें डर लगता है गृहस्थ में जाने के लिए, डर लगता है सन्यासी में जाने के लिए। करोगे क्या? या तो निष्कर्ष रूप से अपने आप को ऐसा मानो। मजाक मजाक करे हमारे एक महात्मा बोलते थे, बोले अरे भाई या तो बापा हुआ न बाबा हुआ, नारायण नारायण, ये दोनों में से कोई तो बनो, कुछ तो बनो, उसी के अनुरूप हम मन को वेद प्रणीत हो। एबे विष्णु दूत माने कौचन, ए जमदूत अरे पगला गुड़ा करी कौन ना, जदि हमें माने जमते घर के सामने कोई गाड़ियों में लिखा होता मिलता है वार की गॉड केबे केबे कोड लिखो कर्म ही भगवान। वेरी गुड, कर्म ही भगवान, ध्यान दीजिएगा उसको थोड़ा सा। ए भली कर्म कले या फल मिलिबो, ए भली कर्म कले ए भली फल मिलिबो, ये तो संसार धर्म, संसार धर्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा मुझे पूर्व आम विचार कर श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी को पचार कि महाभाग एक कर्म कले फल, एक कर्म को पकड़े फल, मु हरि को कहीं भजन करी, मु कर्म को ठीक करी, मु कर्म ठीक कले मो फल भी ठीक रहिबो, किए कर्म को ठीक करिबो आज्ञा। बोले जी मु, अच्छा आपणकर एत शक्ति सामर्थ्य अच्छे आप निज निजर कर्म को भी ठीक कर सामर्थ्य आसीगला? नाई रे बाबा, नाई नाई नाई, कर्म को जो मानते भी है तो उनको ईश्वर को मानना पड़ेगा। कहीं मानी भी आज्ञा मोर तो ईश्वर मान, ईश्वर को मानवार आवश्यकता नहीं, कर्म करी मु। बोले हाँ कर्म अनुरूप फलटा मिल, वर्तमान रे मु कर्म कले वर्तमान रे भविष्य रे मते फल प्राप्त होची। बोले हाँ आ परे दुई दिन परे तीन दिन परे तीन मास परे तीन वर्ष परे जो फल आम मन को अपेक्षा करी रही आपन को ज्ञान अच्छी आज्ञा? नहीं मु तो जानी नहीं, आपन को बापा जानी छथि? नहीं, आपन गुरु जानी छथि? नहीं नहीं। अच्छा कोई तो होगा नारायण जी आपणकर कर्म को भियाण करुची, कर्म को व्यवस्था करुची, कर समस्त कर्म को विधान करुची कि एई एई जीव को एई एई पाखरे एई एई थी एई व्यक्ति द्वारा कर्मर फलटा प्राप्त हबो, ये निश्चित अछि? बोले ये निश्चित करने वाला कौन? हम नहीं, वो ईश्वर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कर्म द्वारा कर्म केवे मरीब नहीं, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा कर्म मर सकता है। कर्म की फल में कर्मर फल रे भी मध्य ओ अलगा परिवार सामर्थ्य केवल परमात्मा के पाखे रहती। आप ध्यान दीजिएगा संपूर्ण संसार टा गोटे भवसागर, ये जालटा होती माया। जो बोले बाबरे भवसागर रे केवट कौन? बोले प्रभु जी स्वयं। ए माया जाल रे माया जेते बेले जाल माछ धरिबा पई केउट जेते बेले जाल बुले की पकाय आपण देखियो समस्ते सबु संभवत से माछ गुडा को जाल भितरे पड़ी पारंती। गोटे प्रकार माछ केबे हेले पड़िबो नै, तार जाल रे केबे आसे ही नै। ते होची जे तार चरण रे अछि, जे तार पाद पाखरे अछि। काहे कि नै जेते बेले केवट जाल पकाय तो दूर को पकाय, दूर को ठीक से बोली भाव रे ये भवसागर मालिक जगतर नाथ जगन्नाथ चरणार बिंद रे व्यक्ति जी आश्रय नियंती से माने प्रथम कथा तो जाल रे पड़ती नहीं, माया जाल। अच्छा आउ द्वितीयता इसलिए कहते हैं जैसे कि कबीरदास महाराज जाऊचंदी को कोनोसी व्यक्ति को व्यक्ति घरे जड़े मां चक्की पे सुती चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। नारायण और सो कबीरदास जी देखुचन जे जने माँ डाली रे गड़ुचन, कबीरदास जी कांदी पकेले चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। नारायण नारायण सब खंड 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 फाड़ है कि देख किंतु जने
କିଛି ଯୋ ସେଠି ଗଳେଇଲା ବେଳକୁ ସାବତ ବଚେ ନା କୋଏ ମହାରାଜ ସେ ମୂଳ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି ମୁଗ ହଉ ହରଡ଼ ହଉ ଆଦି ଆଦି ସେଗୁଡା କିଛି ହେଇନଥାଏ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯୋଉ ତାକୁ ମୂଳକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ନାରାୟଣ ଉନ୍କି ହାଲତ ଏସେ କିଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମୂଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଛାଡିକି ଯିବ ତାର ହାଲତ ଏସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୋ ପାଟନ ସଦୈବ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁଚି ଆମେ ମାନେ ବୁଲଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁଖ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଲେକିନ ସେ ଭିତରେ ସାବତ ବଚେ ନା କୋଇ ଯଦି ମୂଳକୁ ଜଣେ କିଏ ଛାଡିଲା ମହାରାଜ ଏସଲିଏ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ ମୋକ୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହି ବଚ୍ଚା ମାନ ବାପା ଅଥବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ରିମୋଟ ନେଇକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଅଚାନକ କୋଇ କରତୁତ ହୋ ଗଇ ଅର୍ ରିମୋଟ ଟୁଟ ଗଇ ଅଥବା ଟିଭି ଟୁଟ ଗିଆ ବାପା ସେଣୁ ଏକଦମ ରାଗ ତମ 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 ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ ଡଣ୍ଡା ପକାଡ଼ ମାରୁଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଅତି ଚାଲାକ ଚତୁର ସ୍ନେହ ବତ୍ସଲ ଛୁଆ ଗୁଡା କଣ କରିବେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଏକଦମ ଅଥବା ମାଙ୍କୁ ଏକଦମ କୁଣ୍ଡେଇକି ମମ୍ମି ଅଥବା ପାପା ଜି ଔର ଦୁବାରା ନେଇ ହୋଗି କ୍ଷମା ପ୍ଲିଜ ମାଫ କରିଦିଏ ଯିଏ ଏକଦମ ଲପେଟ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଅଥବା ପିତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଯିଏ ଏକଦମ ତା ଗୋଡ ଧରିକି ଔର ନ ହବ ନାରାୟଣ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ହବ ଇଏ କାହାର ନିୟମ ଥିଲା ବୋଲି ପିତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଲେକିନ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କି କରିବ ବୋଲେ ପିତା ହିଁ ତୁ ରକ୍ଷା କର ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେତେ ସାରେ କେ ସାରେ ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଲେକିନ ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଏଇ କର୍ମ କଲେ ଏଇଆ ଫଳ ଇଏ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ହରିଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ ଯୋଉ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ମାନ ନୁହଁ ବୋଲେ କି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇତିନି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାଲା ହେ ଇଏ ଦୋ ଅଧ୍ୟାୟ କେ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆପ ଦେଖନା ୟା ଫିର 14 ନମ୍ବର ବି ଦେଖ ସକତେ ହୋ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ୟଥେନମ ମାପନେନମ କୃତ ଶେଷା ଘନିସ୍କୃତମ ୟଦସୌ ଭଗବାନ ନାମ ମ୍ରିୟମାଣ ସମଗ୍ରହୀ ନାରାୟଣ ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ୟମଦୂତ ଶୁଣ ଆରେ ଇଏ ଅଜାମିଳକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ମାନ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରିଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ କଣ କହିଲେ ପାପ କର୍ମ ଆଦି ମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଲାଣି ଇଏ ସରିଗଲାଣି କେମିତି ସରିଗଲାଣି ବୋଲି ନାରାୟଣ 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 ଜପ କରିଥିବାର ସେ ୟଦସୌ ଭଗବାନ ନାମ ମ୍ରିୟମାଣ ସମଗ୍ରହୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ସମୟରେ ମରଣର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ସମୟରେ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପିଛି ପରା କାହିଁକି ନା ଏ ବଡେ ବଡେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସାଙ୍କେତ୍ୟମ ପରିହାସ୍ୟମ ବା ସ୍ତୋଭମ ହେଲ ନମେବ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ ଅଶେଷାଘହରମ ବିଦୁହ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଙ୍କେତରେ ବି ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ହରି ସଙ୍କେତରେ ପରିହାସରେ କାନ ଆଳାପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଚାନକ ପାଦରେ କୋଉଠି ହେ ନାରାୟଣ କାହାକୁ ଅନାୟାସ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ କାହା ପରେ କ୍ରୋଧ କରୁ ହେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ହସ୍ତେ ପରିହାସେ ପରିହାସେ ମେ ମୋ ବୋଲେ ବୋଲେ କି କାହା ଦ୍ଵାରା କିଛି ମାନ କି ଅବହେଳନା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେଠି ହେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଆଜକାଲ ତ ଆପଣ ପଶୁ କେ ନାମ ବି ରଖ ଲେତେ ହେଁ ଭଗବାନ କେ ନାମ ରାମୁ ଆରେ ରାମୁ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁ ବାବା ରାମୁ ମାନେ ଆପଣ ନୌକର ଚାକର କି ନାମ ରଖ ଲେତେ ଆଜକାଲ ତ କିଛି ଧର୍ମ ବିଶେଷକୁ ନିଚା ଦିଖାନେ କେ ଲିଏ ବି କଭି ଆପଣ ନୌକର କା ନାମ ଦେଗେ ରାମୁ କୃଷ୍ଣ କା କାହ୍ନା କାହ୍ନା ସେ କୁନୁ କୁନୁ ସେ ପତା ନାଇଁ ଆଉ କରୁ କ୍ୟା
आपूर्व पर्यंत तो रामु कहिले रामचंद्र मने पड़ुथिला एबे रामु कहिला माने रामु माने ओ रामचंद्र नु रामु माने मोर अमक ओ ओ सुबे सुबे पशु के नाम नहीं लेना पसंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने साधना को भ्रष्ट मत करिए प्रभु जी। कृष्ण कहिबा मात्रेण, कान्हा कहिबा मात्रेण, कन्हैया कहिबा मात्रेण, राम कहिबा मात्रेण, शिव कहिबा मात्रेण तार अर्थ ईश्वरन्मुखी हो जाए। किंतु किसी किसी लोक ऐसे ऐसी चीजों को राम नहीं ओ ठाकुर जी नु ये बोले तब भी उसमें कल्याण है। नारायण नारायण पतित स्खलित भग्नम संदस्तप्त आहत हरि इत्येव सेनाः पुमान नार्हति यातना। नारायण जितने प्रकार पाप जितने प्रकार यातना जितने प्रकार यंत्रणा थी सबसे सबुठ उद्धार निमंत्र सबसे अति सहज उपाय कि यदि अजानतरे अज्ञानतरे भी मध्य यदि परमेश्वर परमात्मा भगवान कर नाम अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तित मघम पुंसो दहेद अघो यथा अनलह। बोले नारायण जानी की हो अथवा अजानतरे हो जो बोले भावरे अग्नि को स्पर्श करिवा मात्रे न अग्नि र काम हला जलेवा ठीक से बोले भावरे ये संपूर्ण जगत रे जने व्यक्ति अथवा जने जीव जितने पाप करे ओ हरिनाम मात्रेण हरिनाम उच्चारण मात्रेण समस्त पाप नष्ट भ्रष्ट हो जाए। बोले कि जेते जेते बहुत सारा पहाड़ जा कपास अच्छी ताको जलेबा पई छोटी सी चिंगारी छोटी सी एक माटी सी स्टिक पहो ए समस्त कथा वृतांत सब सुनिला परे विष्णु दूत मानक पाखरु महाराज विष्णु दूत माने तंगु छड़े की अजामेल को छाड़ देना। ध्यान देना उसमें थोड़ा सा सोचने की बात कैसा समस्त भक्त जन माने सॉरी क्या कहते हैं आमे माने केबे केबे कदाचित ये कहू अरे नारायण नाम उच्चारण करिबा मात्रेण अजामेल कर ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन आगे तो सुनिए श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित द्विज पाशाद विनिमुक्तो गतभि प्रकृतिगतः बवंदे शिरसा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सवः। ए समस्त कहानी गुडाक मान स्वप्नवत घटित होतिला स्त्री अजामिल जीवन रे अजामिल समस्त को दिए मानो कि कोई ऐसा स्वप्न जैसी एवं मन ही मन ये जम्म पाशरु मुक्त करे थिबा ये चार चार पार्षद विष्णु पार्षद मानंकर स्वरूप को देखिकी प्रणाम कले प्रणाम मरता क्या नहीं करता एबो निजे मन ही मन प्रणाम करले। किंतु प्रणाम करले भल भाव एटा को आउट के देखिबा पई चाहुचंदी मानो अजामिलो अप्यर्था कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणात्रयम्। नारायण और तौर तम विवक्ष्योम भिप्रत्य महापुरुष किंकरा सहसा पश्य तस्तस्य तत्र अंतर धीरे अनघ। ओ तुरंत अंतर ध्यान ही गले विष्णु दूत माने जमदूत माने भी मध्य किंतु ये जमदूत और विष्णु दूत मानकर सुंदर भाव रे धर्म अधर्म रे व्याख्या ये समस्त प्रकार संवाद को अजामिले सुनिले अजामिल सुन ले और मन ही मन बड़ी पश्चाताप कर पश्चाताप यही है तपस्या एबे तो एपर जो सुन ले नारायण तपस्या तो एबे आरंभ हला ऐसा गलत फहमी में मत रहना। ये स्वामी जी अपन तो कहले कि नारायण शब्द कहले सब किसी पाप ताप चली जीव आम ये न के न जाता स्तुति मन भितर जेकोसी जहा भी कर्म करू अकर्म करू एवं जिते बेले मरण मरणासन मृत्यु सानिध्यता प्राप्त हब से कृष्ण नारायण हरि श्री राम कोई नाम आत्मचरण कर दो बास कल्याण हेजी आमर बाबा रे बाबा से मन पड़े तो
ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଲେ ତ କାହାର ମନେ ପଡିବ, ଯୋଉ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏକଦମ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥିବ। ବାଣୀର ଅଭ୍ୟାସ କେତେ ନି ବତାଓ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏକଦମ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକଦମ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ବାଲା ଏକଦମ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଆରତୀ ଥିବ, ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଏକଦମ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥିବ। ଲେକିନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଅଭି ତୁରନ୍ତ ଜୟ 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 ହନୁମାନ ଗୋସ୍ୱାଇଁ କୃପା କର, ତା ପୂର୍ବ ପଦଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ମନେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆପଣ ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଜୟ କପିଶତି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆରମ୍ଭରୁ କରିବେ, ପୁଣି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇକି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣୀର କେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କଦାଚିତ ଓଂ ଭୂର୍ ଭୁବ ଶୁଭ ଆମେ ମାନେ ଧି ଓ ୟୋନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦଟା କଣ ଅଚାନକ ମନେ ପଡିବନି, ପୁଣି ଆପଣ ଓଂ ଭୂର୍ ଭୁବ ଶୁଭ ତତ୍ସବିତ୍ର ବୋଲି ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧିମହି ଧିମହି। ଓକେ ଓକେ, ତ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ମନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ, କଦାଚିତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣୀର ଏତେ ଶକ୍ତି, ବାଣୀର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଇଏ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କି କାରଣ ଇଏ ଏକ ଦିନ କି ବାତ ନେଇ ରେ ବାବା, ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଏସଲି ଅଭି ସେ ଲଗେଇ ରହୁ ରେ ଭାଇ। ଜନମ କବିରଦାସ ଜୀ ବୋଲତେ, ଜନମ ଜନମ କି କାଇ ଏକି ଜନମ ମେ କେସି ଜୟ ମେରେ ଭାଇ, କବିରଦାସ ଜୀ ଉଲ୍ଟା ବୋଲତେ, ଲଗେଇ ରହୁ ରେ ଭାଇ ବନତ ବନତ ବନ ଯାଇ ବନ ଯାଇଗା। ତ ଅଜାମଳି ମହାରାଜ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅହୋ ମେ ପରମମ କଷ୍ଟମ ଅଭୂତ ବିଜିତାତ୍ମନ ୟେନ ବିପ୍ଲବିତମ ବ୍ରହ୍ମ ବୃଷଲ୍ୟାମ ଜାୟତାତ୍ମନ, ମୋଜେ ଧିକ୍କାର ହେ, ମୁଁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ବିଷୟ ଲାଲସା ଅଥବା ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ଆସକ୍ତ ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଔର ଏ ମୁଝେ ବାର ବାର ଧିକ୍କାର ହେ, ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋର ସାଧନାର ସୂତ୍ର, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋର ସାଧନାର ପଥରେ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଏ ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ଅଥବା ବିଷୟ ଆଡକୁ ମୋର ଧ୍ୟେୟ ପରମାତ୍ମା ନ ହେଇକି ଧ୍ୟେୟ ଅଥବା ଧ୍ୟେୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ହେଇକି ଧ୍ୟେୟ ଜଗତ ହେଇଗଲାଣି କେବେଠୁ ନାରାୟଣ। ଔର ଦେଖ ତ ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲି କଣ କଣ ନାରାୟଣ, କିମିଦମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅହୋ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟମିହାଦ୍ଭୁତମ କୟାତ ଅଦ୍ୟତେ ୟେ ମାମ ବ୍ୟକର୍ଷନ ପାଶ ପାଣୟଃ। ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଦେଖ ଇଏ ଯମଦୂତ ମାନେ ମୋତେ ଅଥବା ଏଠାରୁ ନେଇକି ଅଥବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିକି ମାନ ମୋତେ ନେଇକି ନେଇକି ଗଲା ବେଳେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ, ମୁଁ ତ ଶବ୍ଦ ମୋର ପୁତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରୁଥିଲି ନାରାୟଣ, ଔର ତୁରନ୍ତ ହି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ତୁତ ଆସିକି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଲେ ନାରାୟଣ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ ପୂର୍ବକ ଏକ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ନାଇଁ କହୁଛି ନାଇଁ ଲେକିନ ନାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପର ପଶ୍ଚାତାପ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଗ୍ନିରେ ମାନ ଜଣେ ସନ୍ତପ୍ତ, ତାପରେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କେ ଲିଏ, ମମ ଅହମିତି ଦେହାଦୌ ହିତ୍ୱା ମିଥ୍ୟାର୍ଥ ଧୀର୍ମତିମ ଧାସ୍ୟେ ମନୋ ଭଗବତୀମ ଶୁଦ୍ଧମ ତତ୍କୀର୍ତ୍ତନାଦିଭିଃ। ଏବେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ 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 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲାଣି ବୁଝିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଗଲାଣି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏବେ ମୁଁ ଶରୀର ଆଦି ଏ ଦେହ ମୁଁ ଅଥବା ଦେହ ଆଦି ମୋର ମୁଁ ମୋର ନାରାୟଣ ମମ ଅହମ୍ ଇତି ଦେହାଦୌ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଏ ଦୁଇଟା ଭାବନାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ତତ୍କୀର୍ତ୍ତନାଦିଭିଃ ଶୁଦ୍ଧମ ତତ୍କୀର୍ତ୍ତନାଦିଭିଃ
कहार दास्ये मनो भगवती, बड़ा सुंदर है। मन भितरे भगव मन टकु भगवान कर श्री चरणारविंद रे जुक्त कर की मु कीर्तन करी। ये बहुत बढ़िया कथा है। जितने बड़े अमे हरिनाम उच्चारण करु, एपटे मृदंग बाजुचे, मृदंग बाजिला तार भाषा बड़ा सुंदर। कोई अन्वेषण करने वाला हो तो बड़ा सुंदर अच्छा लगता है। कैसा मृदंग कहता है, ताके धिक ताके धिक ताके धिक ताके धिक ताके ताके धिक 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 ताके धिक, अरे तकु धिक रे तकु धिक रे तकु धिक। अच्छा मृदंग संगरे गोटे जोड़ी बाजे झांझ, से झांझटा सब बोले कौन कहले किन किन को किन को किन को किन किन को मृदंग कहूँ तकु धिक आउ तकु धिक आउ तकु धिक, ए जोड़ी कह बोले किस किस को किन किन को किन को किन को किन किन को कहिवार अर्थ कहा को धिक नारायण। फिर कोई हारमोनियम हो सारे गामा पा धानी तो उसमें स्वरित है जो हरिनाम ननिय तकु धिक रे बाबा तकु धिक। इसलिए ध्यान देना गोटे हूँ संगीत आ गोटे हूँ भजन 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 भीतर जो शब्द संभवतः शब्द संगीत रे भी मध्य सही शब्द, लेकिन भजन 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 भीतर गोटे सुंदर भावटी अच्छी तले। यदि भाव को आधारित करके जड़े व्यक्ति गान करुची से भाव भाव शब्द सहित भाव मिश्रित हेले सेटा आपणकर भजन ही जाए। अन्यथा शब्द केवल शब्द जदि थिवो जदि भाव सेठी नाही सेटा संगीत ही परिवो संगीत ही परिवो किंतु भजन हबो नाही। जने भजन गाउथि से पर्यंत आलाप टाणी टाणी नौथि जो पर्यंत लोगों के तालियां नहीं बजी स्थिति हरिचरण रे मन लगन लागी थी कि नहीं से स्थिति नहीं से दृश्य नहीं। जने व्यक्ति से पर्यंत आलाप करुथि और आलाप कर सारा पर यदि तालियां न बजी लोगों को गालियां भी देती देता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो भजन के गाइला बेले अथवा शब्द गुंजरण करला बेले शब्द भीतर भावना उद्भव प्रकाशित हो नारायण से शब्द आनी दे नूतन एक भजन को भाव मिश्रित। हालांकि भगवान को यदि जोड़ी बार पाई भगवान को सदि आमंत्रण दबा निमंत्र हम मैंने कहू ना भाव बिनोदिया आहे कला ठाकुर, तो ये भाव को निकट लेकिन भाव कहीं ना हो तो दूर दूर। तो इसलिए ये बोली संकल्प पूर्वक अजामिल महाराज कौन कले इति जात सुनेर वेद क्षण संगे न साधु सु गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन सर्वानुबंधन। ये सब कुछ छाड़ी की समस्त बंधन मुक्त पूर्वक गंगा द्वार अथवा हरिद्वार चलने। अच्छा और हरिद्वार जाके कले कौन हरे कृष्ण जमी बहुत सारा कैंप में विशेष प्रकार की कहीं कहीं हम जाते थे कैंप नहीं की गला बेले स्वामी जी रही वो कौठी ऐसा बात आइटम कौन खाइब कौन ए दुईटा दुईटा प्रश्न कम से कम हरिद्वार रे गले गंगा स्नान ही थी कि नहीं काली पर काल नहीं तो परसों कर लेंगे नहीं तो और कभी कर लेंगे। यदि हरिद्वार अथवा गंगा द्वार जाऊचन वो बहुत अच्छे कोई संत हो कोई हरिचरण हरिजन कोई हो उनसे मिले कोई प्रसाद मिले। जने हमारा बाबाजी महाराज मुकार ना नौनी जने बाबाजी महाराज मोर बंधु गले जने संत पाखु बहुत चमत्कारी पुरुष थे विभूति देने वाला तो उन्होंने ऐसा घूर के देखा तो ऐसा करके ऐसा दिया कुछ दिया तो उन्होंने हाथ नहीं दी। बोले प्रभु जी मेरे यदि आप दबा कथा कुछ ज्ञान दे दीजिए जोटा अक्षय हब मो पाई जदि किसी दबार अच्छे मत टे भक्ति दियंतु प्रभु जी ज्ञान टिके दियंतु ध्यान प्रक्रिया बतांतु नारायण मु कर्म तो करुचे किंतु कर्म जोग रे प्रणिहित हो नहीं मोर ईश्वर प्रणिधान हो नहीं तो केमिति हब तार सूत्रटा दियंतु
कि ये ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो आप। एमती कहुवा लोक महाराज वो निजे को भी ठकंती वो अन्य मन को भी। जो हो रहा है हरि इच्छा पूर्ण समर्पणता परमात्मा के प्रति, तो ये सोच करके परम ब्रह्म परमात्मा भगवान के पाखरे यू जे भगवत धामनी ब्रह्मणी अनुभवात्मनी, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान को सहित निज चित्त को एकाकार कर देने एवं परिशेष रे शाकम विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकर ही हेम विमान आरुह्य ययौ यत्र श्री अपति। बोले जेतेबेले अंतिम चरण आसिला मृत्यु सान्निध्यता हेला सत्य बेले महाराज एक सुंदर सा विमान और सही सही पार्षद जो पार्षद गुड़ाक देखाई थे जेतेबेले स्वप्नवत जमदूत मानक संगरे एमानक संगरे भेट पुनः भेट हेला और एही आइए 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 गले नहीं की गले कोठी हेई मम विमान मारुह्य ययो यत्र श्रीपति ही, जोठी श्रीपति लक्ष्मीपति वैकुंठ लोक को प्राप्त हेले ये अजामिला। मुक्ति चार प्रकार के, सारूप्य सायुज्य सालुक्य सामीप्य, ऐसे चार प्रकार की स्थिति मुक्ति की स्वरूप सगुण साकार स्वरूप स्वस्वरूप भाव वर्णन करते। आगे कभी आवेगा या फिर तो उसको वर्णन करेंगे तो महाराज ए भली भाव रे, लेकिन एवं परीक्षित महाराज को कहते हे सुखदेव जी कहते अरे परीक्षित एवं परमम गुह्यम इतिहास मघापहम श्रोयात श्रद्धया युक्त यस्त भक्त्यानुकीर्तयेत। हे परीक्षित ये इतिहास अत्यंत गोपनीय समस्त पाप को नाश करने वाला जो पुरुष श्रद्धा भक्ति सहित श्रवण करे तो से व्यक्ति रखे बेहले नर्क पथ हुए नहीं नर्क यात्रा हुए नहीं। कहीबार अर्थ आम मैंने भी कैसे थर तो सुनी लगे किंतु आम मानकर गति एवं स्वर्ग आड़ या नर्क आड़ नारायण। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा सुंदर भाव श्रुणियात श्रद्धया युक्तो यस्त भक्त्यानुकीर्तये, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति सहित बोले मुझे इतने श्रद्धा रे सुनुची श्रद्धा रे सुनुचे वेरी गुड नारायण आम मन कर श्रद्धा। कोई ऐसा कहे कि एक बार राम नाम ले लो बेटा पार हो जाओगे, राम कहते पार होने, अरे कृष्ण इतनी विश्वास कहाँ है हमारी। किसी गुरु थे कोई शिष्य को कहले बाबा शिष्य आसी कह गुरुजी मुझे नदी रे विशाल नदी टा मुझी केमती पार केमती है। गुरुजी कहले ये गोटे कथा तुलसी दल नहीं किया और उसमें श्री श्याम श्री श्याम लिखो और निश्चित भाव रे श्री श्याम ऐसे पत्ते को पकड़ो और श्री श्याम के ध्यान लगाओ और सीधा जल ऊपर चली जाओ। लेकिन प्रगाढ़ विश्वास के कारण शिष्य भी सही कला और चली भी गला पारे कि निजर कार्य संपादन करके पुणि फेरी के लंबा छोटे साष्टांग प्रणिपात। बोले गुरु जी मेरा काम हो गया मैं तो जल के ऊपर चल गया जलों पर चली कि वो पारे कि वो कार्य संपादन करके पुणि फेरी हस्ते प्रणाम करके गले से ना ये गुरु आपाक क्यों। अरे मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था ऐसा करो तो ऐसा होगा लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया। मन मन विचार करू चंदी जे अरे मु मो पाखे ए विद्या थाई कि भी मध्य प्रत्येक दिन गोटाए चारणी देखी जाऊची चारी अणा पुणी आ गोटे चारी अणा देखी पुणी फेरिकी आस नदी रे डंगा वाला को मु तो भी चली आई पारथन सत्यरे कौन होची ना मिथरे होची से कथा निजे भी लेखी कि गले श्री श्याम लिखिले हाथ ए जो तुलसी पत्र रे लेखी गोट गुरु गोटे पाद जमती जमुना जी पर देचंती कि नहीं डूब गए महाराज। कई बार अर्थ गुरु के बात सुन करके शिष्य तर गया लेकिन गुरु के मन भीतर संदिग्ध हवा जगो संदेह हवा जगो वो गुरु यहीं के यहीं रहेगा। कई बार अर्थ श्रोणिया श्रद्धया युक्त यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत और नवै स नरकम याति नोक्षितम यम किंकरै यद्यप्य मंगलोमर्त्य विष्णुलोके महीयते। और जो व्यक्ति परमेश्वर परमात्मा भगवान कर अथवा नाम उच्चारण करती केवे भी करती
से व्यक्ति कदाचित यमदूत माने तार कथा केबे चर्चा रे भी मध्य आनते नहीं केबे चर्चा ही करते नहीं और सदा सर्वदा एक मंगलमय पथ को तंकर गति निर्धारित हुए सुंदर पथ। तो आज मेरे वाणी को मुठी विराम दौची। हरि ओम। एते श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कंधे अजमिलोपाख्याने द्वितीय अध्यायः। एबे जमदूत माने बाहरुचन उठी महाराज आम मानक जदि प्रतिहत करके विष्णुदूत माने आम मानक पाखरु अजामिलटा अजामिल को छड़े कि नहीं गले ताहले संसार भितर केते जन नाथ असंति आमर नाथ तो जमदूत जमराज स्वयं धर्मराज यमराज लेकिन तांकर आउ जने किए शासक अच्छा कि आज पर्यंत तो आम जानी जड़े ही अच्छा तो कम से कम आम यमराज महाराज को प्रश्न करवा समस्त कि महाराज ये जगत शासन केते जन शासक केते जन अच्छा आपण नाव किए ईश्वर केते जन ईश्वर अच्छा शिव राम कृष्ण ये ओ देवी देवता कितने समस्त अच्छा जनी अनेक ईश्वर थे अनेक शासन व्यवस्था थी गोटे शासन व्यवस्था हाँ गोटे शासन व्यवस्था सत्संग विरुद्धाकरण हम ताले संसार नियम भीतर कौटि ना कौटि गड़बड़ हम। इसलिए दुनिया में कितने ईश्वर है एवं ईश्वर किसे कहते हैं एवं ईश्वर को जानिबार उपाय कौन ये सब प्रसंग को जदि जानिबार आवश्यकता मन करती काली विषय तो समस्त भक्तजन मान को निवेदन है कि अधिक से अधिक भक्तजन मान को अपन ये भागवत कक्षा को आसिकी उदीयमान हवा हे इति श्री ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् असतो मा सद्गमय। ओम शांति 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 ही हरि गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 हरि ओम प्रणाम सबको। ओम हरि ओम। आज चतुर्थ अध्याय पारायण करिवे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू। सुरेश बाबू आप अच्छा शुभम सुरेश बाबू को अनम्यूट करो। सुरेश साहू कर देची तांग वीडियो टा ऑन होनी। अच्छा हो आपण पाठ करो न सुरेश बाबू। हरि ओम जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ पाठ करो न आया। नमस्कार समस्त भक्त मानन को आया मोर समस्त कार्यकर्ता को एवं स्वामी जी को प्रणाम। आया चतुर्थ अध्याय चतुर्थे प्रजा सृष्टि पाई दक्ष हरि की आराधई। राजा परीक्षित वाच देव असुर नर नाग तुम्हें कहिलो महाभाग मृग पक्षी सृष्टि जेते
कहिल मोहर अग्रते जेते स्वयंभु मन्वंतरे संक्षेपे कहिल मोहरे से मन्वंतरे भगवान जे अनुसर्गर विधान जे मंत आत्मा शक्ति घेनी सर्जिले प्रभु अंतर्जामे से कथा सुनिबाकु मोर श्रद्धा बलिला मुनि बर सुतवाच राजार प्रश्न सुनि करने आनंदे हर से बदने भमुनि गणे सुन ताहा रूपे कहिले सुख जाहा श्री सुकवाच जेबे प्रचेता भाई दस समुद्र उठी दस दिश चाहिले बहु द्रुम मान पृथ्वी कला आच्छादन वृक्ष मान को देखी डोले तपे दीपित गोपाले अमुखरु अग्नि वायु दुई स्रजिले वृक्ष क्षय पाई पवन अग्नि रे दहन वृक्षे होइले जहु क्षीण ता देखी सुने सुण परीक्षित चंद्र होइले उपगत क्रोध सांत्वना करिवारे तांकु बोइले सुधा करे भो स्वामी माने तुम्बे सुण वृक्षे होइले अति क्षण दहन न कर टीआर तुम्बे जे पति प्रजाकर प्रजापतिक पति हरि अव्यय पुरुष मुरारी औषधि वनस्पति जेते तार संचिलाए जगते संसारे भक्ष्य भोज्य अन्न से विभु करिछि सर्जन चर चर आदि जेते पादनी पादर सहिते हस्त हस्त युक्त जेहु द्विपद चतुष्पद केहु तुम्हे सकले सर्जीव संसारे छंति जेते जीव प्रजार सृष्टि करिबारे जेणु अइल ए संसारे सुणीमा हेउ सावधान दहन न कर ए बन पिता पितामह तुम्भर सेवित प्रपितामहर न कर सत्य मार्ग दूर क्रोध नल दूर कर बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोम पिता भिक्षुक बंधु गृही जन अज्ञर बंधु सुज्ञ जन स्त्रीर बंधु स्वामी निज प्रजार बंधु महाराज जीवर हृदगते हरि अछंति आत्मा रूप धरि से सर्व जे सर्व समान देखई ताहाकु ज्ञानी बोली कही क्रोध को जिणे जेउ नर से जान त्रिगुण बाहर कल्याण होइब तुम्भर शेष द्रुमंकु रक्षा कर वृक्ष पालित जेउ कन्या से हो तुम्भ मनोरमा एतक कही राजा सोम आनंदे हर सबदन कन्या को आनी तांकु देले हरे से निज पुर गले से माने कन्या आगु सारी विवाह होइले धर्मे करी ताहांक बीर्जे से कन्यार जन्मिले दक्ष वेद बर जहार प्रजार सृजने प्रजा पूरीले त्रिभुवने जेमंते दक्ष प्रजापति सर्जिले प्रसर्वभूत स्थिति मानस विजय बाजा सर्जिले सुण कहू ताहा प्रथमे मनु कला जात से प्रजापति लोकनाथ देव असुर नर आदि आकाश जल स्थल सिद्धि प्रजा अवृद्धि देखी दक्ष मनरे कले अति दुख विंध्य पर्वत को से जाई तप आरंभ कले तई तक्षणे करी आचमन जे तीर्थ अघमर सण जहार जल स्परशरे सकल पाप जाई दूरे तही बसिले तप करी तोषिले प्रभु नर हरि यही स्तवरे कले स्तुति जेने प्रसन्न श्रीपति प्रजापति उवाच नमस्ते प्रभु आदि धाता जीव मायार जे नियंता अदृष्ट जहार महिमा गुण बुद्धि रे नुहे सीमा जहार अज्ञा रे जगत नमस्ते प्रभु आदिभूत जहार सखाटे जीव न जाने तहार प्रभाव ए देहे समान बसई तथापि जीवन जानई प्रकाश इंद्रिय गणर जेने विषय गोचर संसारे अछि पूर्ण होई से महेश्वर गुणमय देह इंद्रिय प्राण मन जे भूत मात्रादि पंचम इमाने निज स्वरूप को न जाने केही जे काहाकु जीव जे सर्व जानई से जीव जाकु न जानई सकल भूतरे जे थाई ताहाकु केही न जानई सर्वज्ञ अंतर अटई ताहाकु दंडवत मुही समाधि जोगे दृष्टि स्थिति विनाशे जे होए प्रतीति केवल स्वरूप ज्ञान रे अशेष घटे जेहु पुरे जे हंस शुद्ध चित्त हो घर ताहाकु मोर नमस्कार हृद पद्मरे जाकु धरी पंडिते ध्यान कु आचरी अशेष विशेष मायार निषेध अनुभव जार से सर्वरूप सर्वनाम सकल जहार भियाण से प्रभु हुवंतु प्रसन्न सर्व कारण भगवान
भजन्त भजन करन्ति जे जने ये बुद्धि इंद्रिय वचने जे प्रभु एथु अगोचर ताहांकु मोर नमस्कार जहां ठावरे जहां तहु जे सर्व रूप एक देहु जे कार्य कराई करई जहां रतहु आन नाही परहु परे जेहु पर आद्य हु सिद्ध जे ईश्वर एमंत जेहु परम ब्रह्म ताहांकु नमस्कार मम निज शक्ति माने जहार बादी विवादी मानंकर विवाद विंश बादे करी प्राणी मानंक चित्त हरी एमंत अनंत जागुण नमई ताहार चरण संसारे आस्ति नास्ति जेते वस्तुर निष्ठा एहि मते सांख्य जोगरे प्रवर्तित जे से सम अलप बहुत भिन्न विरुद्ध धर्म से ही ताबिनु आन केहि नाही पद्म पादरे जे भजई ताहारे अनुग्रह पाई जनमे नाम रूप धरी शरीर भई जे हरि से मते हुवंत प्रसन्न सर्व कारण भगवान प्राकृत ज्ञान पथे करी जे प्रभु नाना रूप धरी शोभा पाउछि अनुक्षण अखिल प्राण नारायण पृथ्वी गुण को बसाई अनिल जसन बही जे प्रभु महित्मा एमंत पूर्ण मो करु मनोरथ श्री सुगवाच एमंते दक्ष स्तुति सुनी प्रसन्न होई चक्रपाणी तक्षणे अघम रसने आसी मिलिले नारायणे सुन हे कुरु नृपवर भक्त बस चल चक्रधर आरोही जान खगराज लंब सुंदर अष्टभुज शंख चक्र चर्म खड़ग गदा असी पास सारंग धरिण छंती अष्टकर अद्भुत रूप मनोहर पीत वसन घन श्याम बदन ईसन प्रसन्न निविड़ अंगे वनमाल शोभित मकर कुंडल श्रीवत्स कौस्तुभ साजे किरीट कंकण विराजे कांची अंगद रत्न मुदी बलय नुपुर प्रसिद्धि रूप त्रैलोक्य मनोहर धरिण ब्रह्मांड ठाकुर नंद नारद आदि जेते बेष्टित होइन समस्ते विष्णुंकु करन्ति भजन सिद्ध गंधर्व जे चारण अति अद्भुत रूप हरि दक्ष देखिण भय करी नमिला दंडवत होई आनंद के कार्य के पारिब कही हरसे विवलित मन मुखरु नस्पुरे वचन इंद्रियं करे पूर्ण मन निर्झरे राधि निजेशन मोर भकत प्रजा काम एमंत जानी भगवान सकल प्राणी मन जानती प्रभु भगवान प्रजापति को चाहे हरि किछि बोइले दया करी श्री भगवान वाच हे प्राचेत स महाभाग तुम्भरे मोर अनुराग जेणु भक्ति दृढ़ मने भजिल मोहर चरणे जेणु तो तप जनहित प्रसन्न हेलु प्रजानाथ भकत मानंक संपत्ति निरते मने मुहि चिंती ब्रह्मा शंकर मनुवर तुम्हे इंद्रादि देववर उद्भव प्राणी मानंकर तुम्हे जे विभूति मोहर तपस्या मोहर हृदय वेद वेदांग मोर देह क्रिया आकृति मोर जान यज्ञ मोहर अंगवान मोहर आत्मा धर्म जान देवता माने मोर प्राण बाह्य अंतरे मुहि थाई सकल आदि भूत मुहि संसारे सर्व रूप होई अव्यक्त रूपे मुहि थाई नामरे अवशेष होई मोत हूँ अन्य केही नाही अनंत गुणे मु अनंत मोर गुण रे होई जात गुण शरीर को धरिले स्वयंभू देह को पाइले स्वयंभू स्वजने संसार न देखी समर्थ आत्मार सृष्टि करिवा चित्ते धरी उद्यम मोर बड़े करी बोइनु आंभ वाक्य कर घोर तपस्या को आचर सृष्टि करता तुम्भे काही तपर बड़े सृष्टि होई पंच जनर ए कुमारी असिक्ना नामे से सुंदरी एहा को पत्नी भावे तोर ग्रहण करी सृष्टि कर मैथुने हेब बड़ शोभा आनंदे हुआ सुबे विवाह तुम्हर ठारू प्रजा जेते मैथुने होइबे जगते मोर मायारे मोहि हेबे सहर से संसार करिवे श्री सुखवाच एतक कही भगवान अखिल संसार कारण स्वप्ने कहिला प्राय करी अनंत होइले मुरारी अंतर होइले मुरारी ए दक्ष प्रजापति कथा कल्प भेद रे जे व्यवस्था बोलोई विप्र जगन्नाथ श्री कृष्ण चरित अमृत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे हंसगुह्यस्तवो नाम चतुर्थोऽध्यायः नमस्कार।
हरि ओ आज आम गाँव अच्छा स्वामी आज जन स्वामी अच्छा गण रे स्वामी विश्वमित्रानंद गिरी स्वामीजी को अनुरोध आशीर्वाद प्रदान करिवे। स्वामी विश्वमित्रानंद को अनम्यूट कर पार शुभम हाँ कर दे स्वामी जी नहीं से बोधे जॉइन कर पारु नांती वर्तमान आम आम शेष पर्याय को जीवा ओ पार्वती उवाच केनो पायन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकम पठदे पंडिते नत्यम सुतमिच्छाम्यहम प्रभु ईश्वर उवाच श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने श्री राम नाम बरानन ओम नमो इति हरि ओ मीनप्रभाजी को अनुरोध शांति पाठ करिवे मीनप्रभाजी हरि ओम ओ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय धन्यवाद। शेष करिबा आगर छोटे सूचना आज संडे संध्या 7:30 रे आज आमर श्री जगन्नाथ पंचामृत सरी जगन्नाथ कथामृत अच्छा आज वक्ता होती डॉक्टर आरती कर टॉपिक अच्छे आज पंचसखा और श्री जगन्नाथ समस्ते जॉइन करूँ से लिंक आम मोर से लिंक ठीक संध्या 7:30 डॉक्टर आरती कर पंचसखा और श्री जगन्नाथ ओम हरि ओ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।